यूनिट सेल की सात किस्म, सात किस्में। पहला है क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। और इसके सब टाइप्स हैं। क्यूबिक के तीन, सिंपल बॉडी शेप, टेट्रा में दो सिंपल बॉडी, ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल बॉडी फेस एड, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। इस तरीके से ये सात यूनिट सेल के टोटल किसमें है, 14 कितने, 14। और इसे कहा जाता है ब्रेवेस लैटिसेस, ठीक है, ब्रेवेस लैटिसेस। अब यहाँ पर अपने को यहाँ देखना है क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक। अब कोई भी यूनिट सेल अगर हम लेंगे तो वो बेसिकली इस तरह का है। अब इसमें कोई भी यूनिट सेल में आठ कॉर्नर रहेंगे, आठ कॉर्नर। और ये जो आठ कॉर्नर पर स्फीयर का यानी सूर्य का जो पार्ट है वो कितना है, 1/8। अगर हम ये आठ पार्ट को मिला तो एक पूरा तैयार होता है। वो स्फीयर एटम भी हो सकता, मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट सेल कितने गुणों पर मुश्तमिल रहेगा, एक है, मतलब 1/8 पार्ट्स ऑफ वन स्फीयर प्रेजेंट एट वन कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। इसका मतलब ये होगा कि 1/8 × 8 = 1। तो ये पहली टाइप है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और थर्ड है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो पहला अपन यहाँ पर देखे, पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में स्फीयर्स की तादाद कितनी है पूरे की, वो से एक, पूरे की तादाद कितनी है। अब यहाँ से हम दूसरा ले रहे हैं बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर। एक अपन ने लिया पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इस क्यूबिक यूनिट सेल के जो सेंटर है यहाँ पर अपन ने क्या रखे, कंप्लीट स्फीयर्स है। तो ये स्टेप एक ही हो गए, अब दूसरा एक कॉर्नर पे हो गए, बताओ बेटा कितने हो गए, थर्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में ये फेस है, और हर फेस पर एक स्टेप का कितना पार्ट है, आप तो छह फेस पर कुर्रो की तादाद यानी स्पेयर की तादाद कितनी होगी, कुर्रो की तादाद फेस पर, ये पूरे यूनिट सेल में कुर्रो की तादाद कितनी हो जाएगी,